To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. I am Mithilesh Kumar, Computer Acharya SBM Link 1 Sitamarhi. This is computer class for class 3. This is second period of computer class for students of class 3. In first period, we study about definition of computer. In this period, we study about working of computer. It means how computer work. तो प्यारे भैया बहनों आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। फर्स्ट पीरियड में हम वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के विषय में नहीं देख पाए थे, हम लोग डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ही देखे थे, लेकिन इस पीरियड में हम लोग वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के विषय में देखेंगे। हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है, जैसे हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी वर्क करता है। कैसे हम लोग काम करते हैं आप सभी को पता होगा, क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसी भी फूड को अपने अंदर लेते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, चावल दाल सब्जी, उसको उठाकर इन कराते हैं, डेट इनपुट, वह इनपुट है और वो फूड हमारे शरीर में जाकर प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हमको एनर्जी प्राप्त होता है जिससे हम वर्क करते हैं। कंप्यूटर में भी यही वर्क होता है, सेम। कंप्यूटर में किसी भी डेटा को सबसे पहले हम इन कराते हैं, दैट इज इनपुट, फिर उस डेटा का प्रोसेसिंग होता है और फिर तब हमको रिजल्ट प्राप्त होता है जिसको आउटपुट बोलते हैं। कहने का यह मतलब कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स में वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नाउ वी स्टडी मोर अबाउट व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट। सो वी स्टार्ट टू स्टडी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। देर आर 3 स्टेप्स फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नाउ वी स्टडी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स, फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट। एट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। इट रिसीव्स डेटा थ्रू एन इनपुट यूनिट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस इट इज गिवन एंड आफ्टर इट प्रोसेसेस द डेटा इट सेंड्स बैक थ्रू एन आउटपुट डिवाइस। इट मीन्स कंप्यूटर फर्स्ट रिसीव्स डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस, देन इट प्रोसेस बाय प्रोसेसिंग डिवाइस एंड फाइनली गिव्स आउटपुट। कहने का मतलब कि कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस से क्या करता है, डेटा को लेता है, यानी सबसे पहला काम उसका इनपुट का होता है। इनपुट करने के बाद डेटा को प्रोसेस कराता है और डेटा को प्रोसेस कराने के बाद फाइनली वो रिजल्ट देता है। तो हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं इनपुट के विषय में। इनपुट को दो पार्ट में अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक इन और पुट दो पार्ट हो जाता है, यानी इन प्लस पुट इक्वल टू इनपुट। कहने का ये मतलब होता है इन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन, आप सभी को पता होगा इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब अंदर और पुट मतलब रखना। टू कीप इन, टू पुट इन इज कॉल्ड इनपुट, यानी किसी चीज को अंदर रखना इनपुट कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए रोटी सब्जी हम खा रहे हैं, तो रोटी और सब्जी को उठाकर अपने मुंह के अंदर रखेंगे, माउथ के अंदर रखेंगे, इन रखेंगे, वह इनपुट हो जाएगा। तो यहां हम लिखे एनी इंफॉर्मेशन और डेटा सेंट टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कंसिडर्ड इनपुट। कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर जब प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है तो वह इनपुट कहलाता है। जैसे यहाँ कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कंप्यूटर के अंदर दे रहे हैं, वह इनपुट कहलाएगा। जैसे हम अपना नाम यहाँ लिखे हैं मोहन, तो इस कीबोर्ड से MOHAN लिखेंगे तो वह इनपुट हो जाएगा, ए इनपुट हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस, किसी भी डेटा को इनपुट करते हैं तो इनपुट कराने के बाद उस डेटा का प्रोसेस होता है। प्रोसेस मींस वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्क। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम रनिंग इन ए कंप्यूटर, इट इज डन बाय प्रोसेसिंग डिवाइस CPU। कहने का मतलब कि प्रोसेस क्या है, एक ऐसा इवेंट है जो कंप्यूटर में रन होते रहता है। जैसे हम कोई भी नंबर लिखें, हम लिखेंगे 345,
तो कंप्यूटर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ बाइनरी डिजिट को समझता है, 0101 समझता है। तो वो सीपीयू में क्या करेगा, सीपीयू है यहाँ पे, उसको प्रोसेस कराएगा, और प्रोसेस कराएगा इसके बाद, प्रोसेस के बाद का जो स्टेप जो आउटपुट होता है सो वर्क करेगा। तो प्रोसेस का मतलब हम इतना समझ जाएंगे कि प्रोसेस इज एन इंस्टेंस और इवेंट ऑफ ए प्रोग्राम रनिंग इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम रन होते रहता है वह प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस करने का वर्क जो डिवाइस करता है उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब नेक्स्ट आउटपुट। आउटपुट आउटपुट को दो पार्ट में अगर ब्रेक करते हैं तो होता है, तो दो पार्ट ब्रेक होता है, पहला आउट दूसरा पुट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउट, सभी को पता है आउट का मतलब क्या होता है। आउट का मतलब होता है बाहर, और पुट का भी मतलब आप सभी को पता है पुट का मतलब क्या होता है। पुट का मतलब होता है रखना, बाहर रखना यानी बाहर निकालना। जैसे हम कंप्यूटर में राम, RAM राम लिखते हैं, तो इनपुट हुआ, इनपुट के बाद वो सीपीयू उसको प्रोसेस कराएगा और हमको मॉनिटर पे राम दिखाई देगा। तो मॉनिटर पे जो राम दिखाई दिया वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ। यहाँ लिखे भी हैं आउटपुट का मतलब क्या होता है, तो आउटपुट मीन्स टू पुट आउट। इट इज डन बाय आउटपुट डिवाइसेज आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ एनी डेटा वी गेट रिजल्ट और आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है डेटा को बाहर रखना, और यह आउटपुट डिवाइस की सहायता से किया जाता है। डेटा जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो प्रोसेसिंग होने के बाद उसका क्या होता है, आउटपुट निकलता है। जैसे एक कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड से कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे, कमांड देंगे, यहाँ सीपीयू में उसका प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो अभी तक हम देखे कंप्यूटर तीन स्टेप में काम करता है, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। यही वर्किंग ऑफ कंप्यूटर है। अब इनपुट हम और भी एग्जाम्पल से समझेंगे, नहीं और भी एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ एक वेसल है, इस वेसल में फूड बनाने के लिए बहुत सारे चीज को यहाँ मिलाया गया, तो ये क्या हुआ, इनपुट हुआ। इसको अगर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा, और हमको जो प्राप्त होगा वह उसका आउटपुट हो जाएगा। तो सेम एज आवर डेली लाइफ, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट कम, दिस स्टेप्स आर एल्सो इन्वॉल्व इन कंप्यूटर सिस्टम इन सेम वे। कहने का मतलब हमारे डेली लाइफ की तरह इनपुट प्रोसेस और आउटपुट कंप्यूटर सिस्टम में भी ठीक उसी तरह इन्वॉल्व है। जैसे कोई भी वर्क हम करेंगे, खाना बनाना है तो सबसे पहले इनपुट करेंगे, मतलब हमको अगर सपोज कीजिए बॉइल्ड राइस, चावल तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, चावल तैयार करने के लिए पानी लेंगे, चावल को लेंगे, नहीं, और पानी और चावल को मिलाएंगे तो वह इनपुट हो गया, उसको हीट करेंगे तो प्रोसेस हुआ, और हमको जो प्राप्त होगा वह आउटपुट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी। यह टी प्रिपरेशन का एग्जाम्पल है, नहीं, यह मेकिंग ऑफ टी का एग्जाम्पल है, टी बनाने का एग्जाम्पल है। आप यहाँ देखिए, टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टी लीव्स लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, वाटर लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो ये सब को एक साथ मिला देंगे तो वह इनपुट हो गया। इसको एक वेसल है, इस वेसल में हीट किए तो यहाँ प्रोसेस होने का काम करता है, उसको वर्क कराने का काम करता है। हमको क्या रिजल्ट चाहिए और उस रिजल्ट के लिए हम क्या वर्क करेंगे, तो हम टी के लिए यहाँ इसको हीट करने का वर्क करते हैं, यहाँ यहाँ हीट कर रहे हैं इसको, तो यह क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और यहाँ हमको जो टी प्राप्त हुआ वह क्या हुआ, आउटपुट, आउटपुट प्राप्त हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, ये पेट्रोल पंप का डायग्राम यहाँ है, नहीं, एक गाड़ी यहाँ लगी हुई है और डीजल इससे क्या हो रहा है, इसमें फिल हो रहा है, इसमें फिल हो रहा है, तो ये इनपुट हो गया, नहीं, यहाँ से ये क्या हो रहा है, इसके अंदर इन हो रहा है, यानी इसके अंदर इन हो रहा है, पुट हो रहा है, इनपुट मतलब इसके अंदर रखा जा रहा है, इसके अंदर डीजल रखा जा रहा है, यही इनपुट है। कहने का ये मतलब कि इनपुट में किसी भी डेटा को क्या करते हैं, कहीं किसी चीज के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, ईटिंग ऑफ फूड का एग्जाम्पल है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कोई हम फूड ले रहे हैं तो इनपुट हम अपने माउथ के अंदर रख रहे हैं, दिस इज इनपुट। नेक्स्ट अब इनपुट डिवाइस के विषय में देखेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट इनपुट डिवाइसेस, वी सी थ्री स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर इनपुट, थ्री स्टेप्स फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। नाउ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो फर्स्ट डिवाइस इज कीबोर्ड। कीबोर्ड के विषय में देखिए, एक इनपुट डिवाइस है। अब एन इनपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस यूज टू सेंड और फीड डेटा टू ए कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिससे क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड
फीड कराया जाता है, डेटा को सेंड कराया जाता है, ये कीबोर्ड है। और कुछ हमको लिखना है तो इसी की सहायता से लिखते हैं, डेटा को फीड कराते हैं। कौन डिवाइस हो गया, इसका प्रयोग इनपुट कराने के लिए हुआ, तो यह इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माउस। माउस की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को हमको सेलेक्ट करना है, कहीं क्लिक करना है, तो माउस की सहायता से करते हैं, यह भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर की सहायता से क्या करते हैं, किसी भी इमेज को ट्रांसफर करना है कंप्यूटर में, किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ हम रखेंगे उसको, स्कैन करेंगे, वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, दिस इज इनपुट। नहीं, और इन दिस स्कैनर इज यूज, तो स्कैनर इज इनपुट डिवाइस, इसमें स्कैनर का प्रयोग हुआ है, इसलिए स्कैनर क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट इज लाइट पेन, ये लाइट पेन है। नेक्स्ट इज वेब कैम, ये वेब कैम है। आप देखे होंगे वेब कैम, बहुत सारे भैया बन आधार कार्ड बनवाए होंगे, आप गए होंगे आधार सेंटर पर तो देखे होंगे कि एक ऐसा कैमरा वहां पे होता है जिसके सामने आप खड़े हो जाते हैं, आपका पिक्चर लिया जाता है, आपके इमेज को ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, दिस इज वेब कैम, सो दिस इज इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट टच स्क्रीन, दिस इज टच स्क्रीन, दिस इज इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट ग्राफिक टेबलेट, दिस इज ग्राफिक टेबलेट, दिस इज इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट ट्रैक बॉल, दिस इज इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट बार कोड रीडर, दिस इज इनपुट डिवाइस। इसे क्या किया जाता है, जो इनविजिबल कोड होता है उसको रीड किया जाता है, बार कोड रीडर इससे इनपुट डिवाइस। आप बार कोड रीडर देख सकते हैं, आप बार कोड रीडर पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो देखिएगा, बैंक में जाइएगा तो देखिएगा, नहीं बैंक में चेक में आप देखिएगा, चेक में क्या होता है, बैंक का जो चेकबुक होता है, आप उस चेकबुक को पलटेंगे और किसी चेक का एक पेज पलटेंगे तो देखेंगे उस चेक में क्या होता है, एक इनविजिबल कोड होता है, उसको कैसे रीड किया जाता है, तो इसी बार कोड रीडर से रीड किया जाता है, यानी उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर कराया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड है इनपुट डिवाइस। नाउ वी स्टडी अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, तो सच टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। ऐसा डिवाइस जिसका प्रयोग प्रोसेस के लिए होता है, तो CPU इज यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ एनी डेटा, तो CPU इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। सच टाइप ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसा डिवाइस जिससे रिजल्ट को डिस्प्ले कराया जाता है, मॉनिटर, आप कोई वैल्यू देखते हैं कहाँ, तो मॉनिटर पर देखते हैं, उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो हम कहाँ लेते हैं, प्रिंटर से लेते हैं, वह भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर है, ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर है, यह एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो अभी हम समझे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, तीन चीज के विषय में हम समझे, जो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर का तीन स्टेप समझे। उसके बाद हम लोग ये भी देखें, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेज। तो सभी भैया बहन समझ गए होंगे, आइए हम अपना होमवर्क देखते हैं क्या है। राइट एंड लर्न वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्किंग क्या होता है उसको आपको लिखना है, जो बताया गया कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। दूसरा, ड्रॉ डायग्राम ऑफ इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेज इन योर नोटबुक। आपको जो भी जितने भी सारे इनपुट डिवाइस बताया गया उसका प्रत्येक का डायग्राम बनाना है, प्रोसेसिंग डिवाइस का डायग्राम बनाना और आउटपुट डिवाइस का डायग्राम अपने फेयर कॉपी में बनाना है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस के विषय में देखा, आउटपुट डिवाइसेस के विषय में देखा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के विषय में देखा। आई थिंक दैट all of you understand about what is input, what is process and what is output. With working of computer we also study about input devices, output devices and processing device. तो हमको ऐसा विश्वास है कि आप सभी समझ गए होंगे इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, ये सब आप समझ गए होंगे। और आपको जो होमवर्क भी मिला है तो उसको एक बार और हम देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड लर्न वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ये कहने का मतलब कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर का वर्किंग कैसे होता है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स।
इसको आपको नोट करना है, आप हेयर की कॉपी पे नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ड्रो डायग्राम ऑफ इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेज इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में जो भी आपको इनपुट, जितना भी सारा इनपुट डिवाइसेज बताया गया, आउटपुट डिवाइसेज बताया गया, प्रोसेसिंग डिवाइस बताया गया, उसका थोड़ा अच्छा से डायग्राम भी बना लेंगे। इसके अतिरिक्त हो सकता है कोई टॉपिक आपको और समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर भेजेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। फिर जब अगले वीडियो के साथ हम आएंगे तो उन सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।